Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning English reader of class 2 by Brain Root series. Here is a book, children. The name is Literary Journeys. And today we are going to start chapter number 3. The name of the chapter is The Rose Plant. So let's see what we are going to learn. We are going to start with the warming up. A little plant lay hiding in the dark. एक छोटा सा जो प्लांट है वो क्या कर रहा था? डार्क में छुपा हुआ था, अंधेरे में छुपा हुआ था. और कहाँ था वो अंधेरा? ग्राउंड के अंदर, मीन्स मिट्टी के अंदर. स्केयर्ड टू कम आउट इन टू द लाइट, वो लाइट में आने से डर रहा था, उसे जो बहुत डर लग रहा था. देन द वॉइसेज ऑफ द रेन एंड द सन एनकरेज इट. फिर क्या हुआ? अचानक से उसे आवाज आई रेन की और सन की, और उन्होंने उसे एनकरेज किया, उसे मोटिवेट किया. इट टू पोक इट्स हेड आउट, ताकि वो अपना सिर बाहर निकाल सके मिट्टी के. देयर इज इट सॉ अ ब्यूटिफुल साइट इन फ्रंट ऑफ इट्स आईज, और वहां पे उसने अपनी आंखों के सामने बहुत ही सुंदर दृश्य देखा, साइट देखा. तो क्या था वो साइट? लेट्स सी, लेट्स रीड द चैप्टर. सो वंस देयर वॉज अ लिटिल पिंक रोज प्लांट who lived in a little house under the ground. तो एक समय की बात है, एक छोटा सा पिंक कलर का रोज प्लांट था जो मिट्टी के अंदर अपने घर में रहता था. She sat there all by herself. वो वहां पे अकेले ही रहती थी. She was very still. वो एकदम चुप रहती थी, एकदम सीधे स्टिल रहती थी. Suddenly she heard a little tap 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 at the door. अचानक से उसे खटखटाने की आवाज आई उसके दरवाजे पे. Who is that? She said. That is the rain I want to come in. So अब अचानक से उसे आवाज आई खटखटाने की. उसने पूछा कौन है वहां? तो उसे आवाज आई कि it is the rain. मैं रेन हूं, मुझे अंदर आने दो. Said the soft little voice. उस छोटी सी प्यारी सी आवाज ने बोला कि मुझे अंदर आना है, अंदर आने दो. No, you cannot come in, the little rose plant said. उस छोटे से प्लांट ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी. Then she heard another little tap 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 on the window pane. अब उसे दरवाजे से हटके वो आवाज खिड़की पे आने लगी. खिड़की पे भी उसे वो सेम आवाज टैप 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 की आ रही थी. अचानक से इसने फिर से पूछा उस रोज प्लांट ने कि हु इज देयर, वहां कौन है? इट इज द रेन एंड आई वॉन्ट टू कम इन. मैं रेन हूं और मुझे अंदर आना है. नो यू कैन नॉट कम इन, सेड द लिटिल रोज प्लांट. उस लिटिल रोज प्लांट ने कहा नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते. देन शी वॉज वेरी स्टिल फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब बहुत देर तक के लिए वो रोज प्लांट फिर से स्टिल हो गए. देन देयर केम अ लिटिल रस्लिंग विस्परिंग साउंड ऑल राउंड द विंडो. अब रोज प्लांट का जो विंडो था घर का, उसके पास उसे कुछ आवाज आ रही थी. कैसी आवाज आ रही थी? रस्लिंग. ऐसा लग रहा था पत्ते जो है, जो सूखे पत्ते जो गिर जाते हैं, उसके चलने की, अगर उसमें कोई चले तो उसमें आवाज आती है ना, वैसी आवाज आ रही थी. विस्परिंग, कुछ खुसफुसाने की आवाज थी, जैसे कि कोई चुपचाप जो है धीरे धीरे किसी के कान में कुछ कह रहा हो. सो ऐसी आवाज उसे अपने विंडो के पास आ रही थी. कैसी? रसल, विस्पर, रसल. ये आवाज बार बार उसे आ रही थी अपने घर के विंडो के पास. हु इज देयर, सेड द लिटिल रोज प्लांट. अब उस रोज प्लांट ने कहा कौन है बाहर? द सन सेड अ चेरी लिटिल वॉइस, आई वॉन्ट टू कम इन. तो अब जो है बाहर से किसकी आवाज आई? सन की. उसने कहा मैं हूं सन, मुझे अंदर आना है. नो, सेड द लिटिल पिंक रोज प्लांट. अब उस छोटे से पिंक रोज प्लांट ने कहा नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी. यू कैन नॉट कम इन एंड शी सैट स्टिल अगेन. तो उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी, और वो फिर से चुप होके बैठ गए. Pretty soon it heard the sweet little rustling noise at the keyhole. Who is there? She said. अब अचानक से उसे अपने घर के दरवाजे में जहाँ पे की लगाते हैं, वो जो place है उसे की होल कहते हैं, वहाँ पे ये आवाज़ rustling की आवाज़ फिर से आने लगी. तो उसने
फिर से पूछा कौन है वहां पे, तो फिर से आवाज क्या आई, इट इज द सन, मैं सन हूं। सेड द चेरी लिटिल वॉइस, उस वॉइस ने फिर से बोला आई वॉन्ट टू कम इन, मुझे अंदर आना है, आई वॉन्ट टू कम इन, मुझे अंदर आना है। बट द लिटिल पिंक रोज सेड नो अगेन, लेकिन वो जो लिटिल छोटा सा पिंक कलर का रोज प्लांट था उसने बोला नो मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी। आफ्टर सम टाइम शी हर्ड टैप 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 एंड रसल, अचानक से थोड़ी देर बाद उस लिटिल रोज प्लांट को दोनों आवाजें फिर से आने लगी, टैप 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 की और रसलिंग की, विस्पर करने की और रसल करने की, ऑल अराउंड हर हाउस, अपने घर के चारों तरफ। हु इज देयर शी सेड, उसने बोला कौन है वहां पे, इट इज द रेन एंड द सन, द रेन एंड द सन। अब रेन और सन ने एक साथ बोला कि हम हैं रेन और सन, रेन और सन। सेड द टू लिटिल वॉइसेस टुगेदर, वी वॉन्ट टू कम इन, हमें अंदर आने दो। ओह सेड द लिटिल रोज प्लांट, इफ देयर आर टू ऑफ यू आई शैल हैव लेट यू इन। तो क्योंकि वो जो छोटा सा रोज प्लांट था वो अकेले डर रहा था, उसे बाहर नहीं आना था, उसे लग रहा था कि बाहर कोई है जो उसे परेशान कर सकता, जब उसने देखा कि दो लोग बाहर खड़े हैं उसका वेट कर रहे हैं, तो उसने कहा अच्छा ठीक है अगर आप दो लोग हैं तो मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ, आप अंदर आ जाओ। सो शी ओपन द डोर अ लिटिल बिट, अब उसने अपने दरवाजे को मीन्स ग्राउंड से थोड़ा बाहर निकली, दरवाजे को खोला एंड दे केम इन, और दोनों सन और रेन अंदर चले गए। वन टुक हर वन लिटिल हैंड एंड द अदर टुक हर अदर लिटिल हैंड, एक ने क्या किया उसका एक हाथ पकड़ा, दूसरे ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गए। एंड दे रैन 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 विथ हर राइट टू द टॉप ऑफ द ग्राउंड, और वो दोनों भागते रहे भागते रहे भागते रहे उसके साथ, कहां तक, ग्राउंड तक, टॉप ऑफ द ग्राउंड मीन्स ग्राउंड के ऊपर तक वो चलते चले गए। देन दे सेड poke your head together, poke your head through, so she did. अब दोनों ने कहा कि अब तुम बाहर आ चुकी हो, अब तुम अपना सिर ऊपर करो, देखो बाहर की दुनिया को देखो, और ऐसा ही किया उस रोज प्लांट ने। She was in the middle of a beautiful garden. अब उसके सामने जैसे ही उसने ऊपर देखा तो उसके सामने बहुत ही सुंदर सा beautiful सा एक garden था, and it was spring time, or spring ka mausam tha. All the other flowers had their heads poked through well. Jitne bhi flowers the, un sab ne apne sir ko upar utha liya tha. Sare flowers khil rahe the, bloom kar rahe the. And it was such a pretty little garden. Aur wo kitna pyara sundar sa garden tha. Now children, let's move on to glossary. Here the first word is rustle. Rustle means the sound of dry leaves make when they move in the wind. So, जब सूखे पत्ते हवा के साथ उड़ते हैं या बहते हैं या चलते हैं उसे, उसमें जो साउंड क्रिएट होता है उसे रसल कहते हैं। स्टिल का मतलब होता है क्वाइट, चुप, सडनली मीन्स एकदम से अचानक से, सॉफ्ट पोलाइट, अनदर मीन्स दूसरा, चेरी मीन्स चेयरफुल और ब्राइट, ब्यूटिफुल मीन्स लवली, poked means to push somebody or something with a finger, किसी को finger से poke करते रहना, इसे हम poke करना कहते हैं या push करना। Now children, let's move on to the book exercise. Comprehension is our first part that we are going to do, and here a exercise we are going to do, which is multiple choice questions. So first question over here is, this chapter is about a dash plant. कौन से plant की बात हो रही है? So it is it a jasmine, lotus, rose or poppy plant? तो ये तो एक rose plant का है, chapter है। Next, the color of the roses, rose का color क्या है? Pink, red, white or yellow? It is of pink color. Similarly, the third one, the house of the little plant is under the, जो house है उस little plant का वो कहाँ है? Building के नीचे, ट्री के नीचे, ब्रिज के नीचे या फिर ग्राउंड के नीचे? तो ये जो करेक्ट आंसर है वो है ग्राउंड। सो दिस लाइक दिस चिल्ड्रन, यू हैव टू डू द रेस्ट टू क्वेश्चंस दैट आर गिवन हियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बी पार्ट व्हिच इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज दिस हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स।
A little plant lay hiding in the dash ground. कैसा ग्राउंड? Dark ground. बहुत अंधेरा था ना वहां पे. Next, the little plant was very. जो little plant था वो कैसा था? Very still. एकदम still था, बिना हिले डुले वो एक जगह पे रुका हुआ था. There is a little tap tap on the dash pane. कहाँ पे? विंडो पेन. तो विंडो पेन पे उसे अचानक से आवाज आई कि कोई उस पे जो है टैप टैप कर रहा है. लाइक दिस चिल्ड्रन यू हैव टू डू द रेस्ट टू क्वेश्चंस योरसेल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सी पार्ट विच इज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सो द फर्स्ट वन इज अ लिटिल रोज प्लांट हर्ड टैप 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 एट द डोर. यस ट्रू. The sun gave a little rustling, whistling sound. Yes, true again. Now, third one, the rain and the sun want to go out of the house. No, वो तो अंदर जाना चाहते थे. So, this is false. Like this, you have to do the rest two questions, children. Now, let's move on to D part, which is answer the following questions. So, where was the little rose plant? वो जो little rose plant था, वो कहाँ था? डार्क ग्राउंड में छुपा हुआ था. डार्क इन साइड द ग्राउंड. नाउ द सेकेंड वन इज हु केम टू विजिट हर. कौन उससे मिलने आया? रेन एंड सन दोनों मिलने आए थे लिटिल प्लांट से. हु हैड दे कम टू विजिट? व्हाई हैड दे कम टू विजिट द रोज प्लांट? उससे क्यों मिलने आए थे? What happened when the rose plant opened the door? क्या हुआ जब rose plant ने door खोला? And what did the rose plant see around her in the garden? ये तीनों questions children आपको खुद से करने हैं. It's a homework. And with this we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.